डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। द लाहौर गर्ल्स इन स्कूल, टुडे डे इज सैटरडे एंड डेट इज 18 दिसंबर 2021। ओके, स्टार्ट ओवर द लेक्चर। क्लास 8, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 17, एक्सरसाइज 4.1। यू नो डैट स्टूडेंट्स के अब हम जो करने जा रहे हैं वो है 4.1, और इसके बारे में मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी हुई है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन एंड कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है। सो हमने इसके अकॉर्डिंग जो है डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जो है हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसके रिएक्शन को देखते हुए हमने सॉल्व करना है। सो स्टार्ट। 30 men, क्वेश्चन नंबर 1, 30 men रिपेयर अ रोड इन 56 days बाय वर्किंग 6 hours डेली। इन हाउ मैनी डेज 45 men विल रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 hours डेली। सो यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो मैन एंड डेज एंड आवर्स जो है वो हमें 3 quantities गिवन है। सो मैन 30 से 45 एंड डेज 56 एंड डेज हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। सो यहाँ पे जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसकी प्लेस में हम राइट करेंगे एक्स। आर्स जो हैं वो 6 से 7 हैं। सो यहाँ पर जो एक्स हमारी साइड होती है स्टूडेंट्स वो डायरेक्ट होती है, उसको हम शो करते हैं कि ये डायरेक्ट साइड है। सो एक्स जो है वो डायरेक्ट कंसिडर है, और डायरेक्ट का एरो जो होता है वो डाउन टू अप होता है, एंड जो इनडायरेक्ट होता है, इन्वर्स होता है, उसका एरो जो है अप टू डाउन होता है। सो इसका हमें क्लियर है कि इसका जो एरो आएगा वो डाउन टू अप आएगा। सो यहाँ पे जो मैन है, मैन 30 से 45 हो गए, तो क्या डेज इंक्रीज होंगे या डिक्रीज, इस चीज़ का आइडिया लगाना है हमने। सो यहाँ पे देखें 30 men से 45, तो डेज जब मैन ज़्यादा होंगे तो डेज ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। सो रिएक्शन जो आएगा एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी का इफ़ेक्ट कम हो जाए, तो इसका मतलब कि वो इनडायरेक्ट जो है वो प्रोपोर्शन है। सो यहाँ पर आर्ट्स का हमने एरो कंफर्म करना है। सो 6 7 जो है 6 से 7 हो गया है, तो डेज कम होंगे कि ज़्यादा, जब दिन में ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो ऑब्वियसली डेज जो होंगे वो कम हो जाएंगे। सो ये भी काम, आर्ट्स ज़्यादा डेज कम, सो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। व्हेन द नंबर ऑफ मैन इंक्रीज, नंबर ऑफ मैन इंक्रीज हुआ नंबर ऑफ डेज विल डिक्रीज, सो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो जाएंगे, इट इज़ एन इन्वर्स प्रोपोर्शन। व्हेन द नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज एंड नंबर ऑफ डेज विल बी डिक्रीज, इट इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन। सो इन्वर्स का जो एरो होता है वो अप टू डाउन साइड पर होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो यहाँ पे हमने राइट करने का तरीका ये होता है कि जो हमारी एक्स साइड होती है हम उसको स्टार्टिंग में लिखते हैं, यहाँ पर हमने एक्स साइड को एक्स ओवर जो नीचे होती है वैल्यू वो ऊपर चली जाती है, एक्स ओवर 56 इक्वल टू 30 जो इन्वर्स होती है वो एज इट इज़ लिखी जाती है, 30 ओवर 45 एंड 6 ओवर 7। सो एक्स इक्वल टू, इसको यहाँ पर हम कट कर लेंगे, 15 2 ज़ा 30 एंड 15 3 ज़ा 45, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 भी कैंसल एंड 7 8 ज़ा 56, जो रिमेनिंग वैल्यू है 2 × 2 × 8 है। सो एक्स इक्वल टू 2 × 2 × 8, सो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 4 8 ज़ा 32, सो 32 डेज जो है ये आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ 60 women स्पिन 48 kg ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 hours डेली, हाउ मच कॉटन विल 30 women स्पिन बाय वर्किंग 12 hours डेली। सो यहाँ पे सबसे पहले लेट द एक्स के जी बी द कॉटन, हमने कॉटन यहाँ पे फाइंड आउट करने है, तो उसके लिए हम उसको एक्स लेट करेंगे। वुमेन कॉटन इन आर्स, वुमेन 60 हैं और 30 हैं, कॉटन 48 और एक्स हैं, और आर्ट्स 8 and 12 है। सो यहाँ पे इसका रिएक्शन देखते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ वुमेन डिक्रीज, क्वांटिटी ऑफ कॉटन विल डिक्रीज, इट इज़ द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब एक क्वांटिटी
डिक्रीज़ हो दूसरी भी डिक्रीज़ हो जाए तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। व्हेन द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ इंक्रीज, वर्किंग आवर्स बढ़ रहे तो क्वांटिटी ऑफ कॉटन भी इंक्रीज हो गई। जब काम ज़्यादा घंटे होगा तो जो चीज़ें बनना है वो भी ज़्यादा ज़्यादा जो हैं बनेंगी। सो इसलिए इसका जो रिएक्शन है, क्योंकि इंक्रीज़ है, दोनों क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही हैं, इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मैंने आपको बताया अप डाउन टू अप एरो होता है। सो यहाँ पर डाउन टू अप एरो हम एक साइड पर लेंगे और ये भी हमारा डाउन टू अप है, ये भी डाउन टू अप है। सो थस एक्स ओवर 48 एंड 30 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 12 ओवर 8। सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 48 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इधर ही रह जाएगा। तो यहाँ पे 32 ज़ा 60 एंड 2 6 ज़ा 12, सो 8 6 ज़ा 48, सो 6 एंड 6। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एक्स इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6, सो 6 6 ज़ा 36 kg। सो पता चला स्टूडेंट्स के इस तरह से क्वेश्चंस को करना है, क्वांटिटी के बिहाफ पे क्वेश्चंस ने होना है, यानी प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है उसको देखते हुए हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने इनके एरो कंफर्म करने हैं। एरो कंफर्म तब होते हैं, डायरेक्ट एरो अप डाउन टू अप होता है और इनडायरेक्ट एरो अप टू डाउन होता है। उसका रीज़न ये है कि जो इनडायरेक्ट होता है वो जो है उसमें इनवर्स प्रोपोर्शन जो के कहलाता है। सो जब डिक्रीज वैल्यूज हो रही होंगी तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएंगी, जब डिक्रीज दोनों डिक्रीज हो रही होंगी तो वो एक वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज, तो इनवर्स। लेकिन दोनों वैल्यूज अगर डिक्रीज हो रही हैं, दोनों वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, तो फिर ये जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। क्लियर। सबसे पहले इनकी एरो लगाने हैं, फिर इनकी वैल्यू राइट करनी है, उनकी कैंसिलेशन करनी है, देन क्वेश्चन को जो है हमने सॉल्व करना है। आई होप स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो योर डायरी, डू प्रैक्टिस, थैंक्स।